प्रदेश में पूर्वांचल की सहजनवा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। यहाँ टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जोरदार घमासान मचा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के करीबी और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे सपा के वरिष्ठ नेता जगदीश यादव के बेटे मनोज यादव ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सहजनवा सीट से मनोज यादव टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका पत्ता कट गया। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने यशपाल रावत को मैदान में उतार दिया। वहीं टिकट कटने के बाद बागी हुए सपा नेता मनोज यादव मंगलवार को एक जनसभा में भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुझे अखिलेश यादव ने टिकट देने का वादा किया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। उस वक्त मैंने संतोष किया और निर्दलीय बनकर चुनाव नहीं लड़ा। आज ये आंसू इसलिए छलका है क्योंकि मैं बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दार वो है जो एक दल में रहकर दूसरे दल की मदद करे, पार्टी की पीठ में छुरा भोंके, धन दौलत के लिए दूसरी पार्टी से जुड़े रहें। जब तक समाजवादी पार्टी में रहा हूँ तब तक ईमानदारी के साथ रहा हूँ। अगर कोई कह दे कि इस पार्टी से गद्दारी की है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मनोज यादव ने कहा कि मेरे पिता 48 साल से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन कभी उन्होंने धोखेबाजी गद्दारी नहीं की। मैं पढ़ाई के दौरान से ही समाजवादी पार्टी को सेवा दे रहा था। साल 2000 में सक्रिय राजनीति में आया। आज 22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं? मैं अखिलेश यादव और नेताजी का सम्मान करता हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो नेताजी और अखिलेश यादव को गाली दूं। इसी सहजनवा में समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा किए हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मनोज यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। इस दौरान मनोज यादव के कामों की खूब चर्चाएं हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी उनके कई वीडियो देखे गए थे। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के दौरान भी मनोज यादव काफी एक्टिव थे। अखिलेश यादव के रथ में भी उन्हें साथ देखा गया था। इसके बाद से माना जा रहा था कि मनोज यादव ही समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार हैं, लेकिन ऐन वक्त पर खेल बदल गया। मनोज यादव कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते, ऐसा सूत्रों से पता चला है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनसे संपर्क किया गया, आज वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसी होट से मनोज यादव दावेदारी पेश कर सकते हैं तो लड़ाई रोचक हो जाएगी। बीजेपी ने भी यहां अपने सिटिंग विधायक शीतल पांडे का टिकट काट दिया। बीजेपी ने प्रदीप शुक्ला को मैदान में उतारा। प्रदीप शुक्ला सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं बसपा से सुधीर सिंह ताल